سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم روح الرحيم افتيوا أبو يرسل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيام فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه صدق الله العظيم صدق رسول النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله अगर हो सके तो इसका वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा कर दे तो किसी को पता है अगर नहीं तो फिर खामोशी से सुन अल्लाह तबारक व तआला वहदहु ला शरीक का बेपाया फ़ज़्ल व करम और इहसान इनाम है कि जिसने बाइस तख्लीक़े कायनात रहमतन लिल आलमीन शाफ़ए रोज़े जज़ा बस
हुजूर सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक वसीला से हम सब को दौड़ते ईमान अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला कमा हक़ुहु हम इस दौलत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आज का दरसे हदीस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ताला पिछला मौजू हमने अपना किसी हद तक जो है वो मुकम्मल कर लिया, और आज का उन्वान जो है वो नमाज तरावीह के हवाले से है। और ख़ास तौर पर उसमें इस चीज़ का बयान है कि नमाज तरावीह जो है उसकी कितनी रकअतें जो हैं वो मुसलमानों को पढ़नी चाहिए और उसमें सुन्नत अमल जो है वो क्या है। नमाज तरावी के हवाले से आम तौर पर उम्मत मुस्लिमा के अंदर कमोबेश कई सदियों से, आज से नहीं, सबसे ज़्यादा उम्मत का अमल जो है वो 20 रकअत नमाज तरावी का है। बाज़ लोग जो हैं वो नमाज तरावी को 8 रकअत जो हैं वो पढ़ते हैं, जिस वजह से क्योंकि नफ्स इंसानी जो है ये आम तौर पर अमल की तरफ नहीं जाता और अमल इसको मुश्किल दिखाई देता है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया वा इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, फरमाया कि बेशक नमाज जो है ये बड़ी भारी है मगर उन लोगों के लिए भारी नहीं जो अल्लाह ताला से डरने वाले हैं। यानी अमल करना बंदे को भारी लगता है, शायद फितरतन ऐसा महसूस होता है इंसान को। सोचों के बाद अब आप 8 भी पढ़ते हैं तो जो 20 पढ़ने वाले होते हैं उनके भी जहन में बाज़ औक़ात ये बात आ जाती है कि शायद ऐसा अमल जो है वो भी दुरुस्त है। और एक तबका ऐसा भी है मुसलमानों में से जो कि नमाज तरावी को सिरे से पढ़ता ही नहीं। अल्लाह बेहतर जानता है उनका ख्याल क्या है या वो कैसा गुमान रखते हैं दीन के मुतल्लिक, मगर ऐसा तबका जो है वो भी मौजूद है। सोचूं कि रमज़ान मुबारक का मुकद्दस महीना भी है, सो मैंने ये मुनासिब समझा कि एक बयान जो है तबलीग दीन का वो नमाज तरावी के हवाले से होना चाहिए, जिसमें उसकी अहमियत, इम्पॉर्टेंस और उसकी रकअतों की तादाद जो है उसको अहादीस पाक के दलाइल से जो है उसको बयान कर दिया जाए, ताकि हमेशा बाद में इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके काम आए। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी रमज़ान मुबारक आता था तो आपके मुबारक मामूलात में से ये भी है कि जब हुजूर शाबानुल मुअज़्ज़म का आखिरी जुमा पढ़ाते हैं तो उस आखिरी जुमे का जो खुतबा होता उसमें ज़्यादातर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक की अहमियत, इसकी फजीलत और इसमें अल्लाह तबारक व तआला की इबादात पर लोगों को हुजूर तरगीब दिलाया करते थे। यानी रमज़ान मुबारक की तैयारी हुजूर रमज़ान से पहले शुरू फरमा देते और लोगों को बड़ी रग़बत दिलाते, और ख़ास तौर पर शाबान मुअज़्ज़म का आखिरी जुमा हुजूर रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल लोगों के सामने खुद बयान फरमाया था। और दो चीज़ों की तरफ ख़ास तौर पर आकर दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की तवज्जो मबजूल करवाते, एक यही रोज़ा और दूसरा रमज़ान की रातों में नफली इबादत करना।
रमज़ान की रातों में नफली इबादत करना, जिसको आम तौर पर क़याम रमदान कहा जाता है। क़याम का लूमी माना तो खड़े होना होता है, यानी अल्लाह ताला की इबादत के लिए खड़े हो जाना। हत्ता के जो जो रमज़ान के दिन भी गुजरते रहते तो अज़वाज मुतहरात इरशाद फरमाती हैं, जो ही आखिरी 10 दिन आ जाते, आखिरी 10 दिन, तो आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन आखिरी 10 दिनों में और 10 रातों में यूँ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए खड़े रहते कि हुजूर आम तौर पर अपने बिस्तर के करीब आना भी पसंद ना फरमाते। यानी रमज़ान की रातों में आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का ये आलम होता था, और कसरत के साथ उम्मत को तरगीब दिलाते कि वो भी रमज़ान की रातों में उठ के फ़राइज़ के अलावा ख़ास तौर पर नफली इबादत भी करें। और इसकी बड़ी फजीलत जो है वो बयान की गई है, एक हदीस पाक में है जिसको सुनन निसाई के अंदर और सुनन इब्ने माजा के अंदर बयान किया गया है। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे जो हैं वो उनसे रिवायत करते हैं, जो कि अजीम सहाबी रसूल हैं। आप फरमाते हैं कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तबारक व तआला फरद सियाम रमदान अलैकुम। फरमाया कि हुजूर ने फरमाया कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला वहदहु ला शरीक ने तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए। रमज़ान के रोज़े, बोलिए ना, रमज़ान के रोज़े किसने फ़र्ज किए? अल्लाह तबारक व तआला। फरमाया बेशक तुम पर अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए, वसनन्तु लकुम क़ियामा, और मैंने, हुज़ूर फरमाते हैं, और मैंने तुम्हारे लिए रमज़ान की रातों में नफली इबादत करने को सुन्नत कायम कर दिया। फरमाया दो तोहफे हैं रमज़ान के अंदर जो तुम्हें नसीब होते हैं, एक मेरे रब की तरफ से है, एक मेरी तरफ से है। फरमाया मेरे रब ने तुम्हारे लिए रमज़ान के दिनों में रोज़ों को फ़र्ज कर दिया, और मैंने तुम्हारे लिए रमज़ान की रातों में खड़े रहने को, क़याम करने को, अल्लाह की इबादत करने को तुम्हारे लिए सुन्नत कायम कर दिया। फमन सामहु वकामहु, फरमाया पस जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा, वकामहु और इसकी रातों में खड़े होकर नफली इबादत की, ईमानम वहतिसाबन, दो नियतों के साथ कि उसने ईमान के साथ, साजार ईमान होगा तो रोज़ा फ़र्ज हो जाएगा, ईमान के साथ बख्तिसाबन और सवाब की नियत के साथ, दिखलावे के लिए नहीं, रियाकारी के लिए नहीं, लोगों को अपनी इबादत का बताने के लिए नहीं, महल्लेदारी में अपने आप को बड़ा ऊंचा जाहिर करने के लिए नहीं, महज अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए और आखिरत का अजर लेने के लिए, आखिरत का सवाब लेने के लिए। फरमाया जिसने भी ईमान और सवाब की नियत के साथ माह रमज़ान के दिनों में रोज़ा रखा, वकामा हो और इसकी रातों में नफली इबादत की, क़याम किया, खारज भी कयाम बालादत मुँह, फरमाया वो शख्स गुनाहों से इस तरह पाक और साफ निकल जाता है रमज़ान के बाद जैसे अपनी माँ के शिकम से पैदा हुआ था। यानी इतना दर्जा आके दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया रमज़ान की रातों में उठ के नफली इबादत करने, कि जो रमज़ान की रातों में उठ के नफली इबादत करे और रमज़ान के दिनों में रोज़ा रखे, फरमाया रमज़ान की बरकत के साथ अल्लाह तबारक व तआला उसे गुनाहों से बिल्कुल पाक और साफ कर दे। और बिलखसूस जो है वो नमाज तरावी के हवाले से जो अहादीसें पा गया, अब हम उनके बयान की तरफ आते हैं, कि उनमें से 4-5 का बयान बहुत ज़रूरी है ताकि आप उस बात को समझ सकें। यह हदीस पाक जो मैं अर्ज़ करने लगा हूँ ये मुत्तफ़क अलैह हदीस पाक है। कौन सी हदीस, बोलिए कौन सी? मुत्तफ़क अलैह, बोलिए ना सारे लफ्ज़,
मुत्तफक अलैह, उस हदीस पाक को कहते हैं जो सही बुखारी शरीफ के अंदर भी मौजूद होती है और सही मुस्लिम शरीफ के अंदर भी मौजूद होती है, उसे हदीस मुत्तफक अलैह कहते हैं। और ये दीगर भी बहुत सी कुतुब के अंदर, यह हदीस पाक सुनन नसाई शरीफ के अंदर भी है, सही मुस्लिम के अंदर, सही बुखारी शरीफ के अंदर और दीगर कुतुब के अंदर। अन आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, इस हदीस पाक को उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप रिवायत फरमाती हैं। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला रात लैलतिन फिल मस्जिद, फरमाती हैं कि एक रोज रमजान की रातों में आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में रात को नफली इबादत यानी तरावी अदा की। फसल्ला बिसलातिही नास, पस हुजूर के साथ भी कई लोगों ने नमाज तरावी अदा की। अब इसमें एक बात जो है वो समझने वाली है, वो ये है कि हुजूर ने ये जो नमाज तरावी मस्जिद में आके अदा की, आकाए दो जहां के इस नमाज तरावी के अदा करने का पहले से ऐलान नहीं था, पहले से कोई अनाउंसमेंट या ऐलान ना था। हुजूर अपने ख्याल मुबारक से, घर मुबारक से बाहर निकले और आके अपने मस्जिद में नमाज तरावी अदा करना शुरू कर दी। मगर रात गए इशा के बाद जब हुजूर ने तरावी जो है वो अदा की, फसल्ला बिसलातिही नास, हजरत आयशा फरमाती हैं कि उस वक्त भी रमज़ान की रातों में बग़ैर ऐलान के भी हुजूर के कुछ सहाबा मस्जिद में ऑलरेडी मौजूद थे, यानी सहाबा इकराम के अंदर इबादात का ऐसा शौक़ था जो हुजूर तरगीब दिलाया करते थे, सो सहाबा इकराम मस्जिद नबवी शरीफ में जो है वो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थे। फसल्ला बिसलातिही नास, बस कई लोगों ने हुजूर के साथ नमाज तरावी अदा की। सुम्मा सल्ला मिन अल-क़ाबिला फकसरन नास, फरमा दिया जब दूसरा दिन आया तो आके दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर घर से बाहर निकले। अब जिन लोगों ने रात को एक एक्स्ट्रा इबादत हुजूर के साथ मस्जिद नबवी में की थी, जब दिन उनका गुजरा वो बाजारों में गए, खेतों में गए, अपने यार जो सहबाब को मिले, तो उन्होंने सबको बताया भाई आज रात आप लोग तो वापस आ गए थे, तो हुजूर मस्जिद में दोबारा तशरीफ लाए तो हमने रात को हुजूर के साथ नफली इबादत की है यानी तरावी अदा की है। फरमाते हैं जितने लोगों तक वो इत्तला पहुंची, दूसरे दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी रात को फिर निकले। जब हुजूर वहां पर निकले नमाज तरावी अदा करने के लिए, फकसरन नास, सो पहली रात से दूसरी रात में लोग ज्यादा हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी रात भी सहाबा के साथ मिलकर तरावी की नमाज अदा की। अब जब दो रातें ऐसी गुजर गई तो दूसरे दिन जो सहाबा और ज्यादा हो गए, दूसरे दिन दिन को निकल के दीगर सहाबा ने बहुत सारे दीगर सहाबा को भी जाके बताया कि हमने रात को हुजूर के साथ नमाज तरावी की सआदत हासिल की है। आकाए जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तीसरी रात नमाज तरावी की अदायगी के लिए निकले, जब निकले तो तीसरी रात लोग पहले दो दिनों से ज्यादा आ गए थे, पहले दो दिनों से ज्यादा आ गए थे। अब सहाबा इकराम के अमल से जो अमल हमें मिलता है वो ये है कि रमजान की रातें या दिन जून जून गुजरते जाए इबादत के शौक में इजाफा होना चाहिए, इबादत के शौक में इजाफा होना चाहिए। ये पंजाबी मुसलमानों को इसे इस्लाह लेनी चाहिए, जिनके पहले आठ दस दिन भी मस्जिद में खूब रौनक होती है रमज़ान के पहले आठ दस दिन, और आखिरी जब चार पांच रह जाए तो फिर भी बड़ी रौनक होती है, और दरमियान में गायब हो जाए, दरमियान में फिर दुनिया याद आ जाती है और दुनिया की ख्वाहिशात याद आ जाती हैं। फरमाते हैं पहले दिन जो लोग थे उन्होंने जाकर दूसरे दिन जिक्र किया, सो दूसरे दिन और ज्यादा लोग मस्जिद में हाजिर हो गए। अब जब दो दिन गुजर गए तीसरे दिन उससे भी ज्यादा लोग हुजूर के साथ जिन्होंने नमाज तरावी आके अदा की। इस रिवायत के अंदर सुम्मा जतामियू मिन अल-लैलति अल-थालिसति अव अर-राबिआ,
मगर ये और भी रिवायत है, मैं इनको मिला के कर रहा हूँ, कहती है कि पहले तीन दिन या चार दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया, मगर जब आका जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, जब चौथी रात आ गई तो चौथी रात आने तक आप फरमाती है पोजीशन इस तरह थी कि मस्जिद नबवी शरीफ में तिल धरने की जगह भी मौजूद ना थी। इतने सहाबा इकराम जमा हो गए हुजूर के साथ आगे तरावी अदा करने के, जब जमा हो गए तो क्या हुआ, फलम यखरुज इलैहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर चौथी रात आका जो यहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ ना निकले, चौथी रात हुजूर सहाबा इकराम की तरफ ना निकले, उनकी तरफ ना आए। फलम्मा अस्बाहा कौन, जब सुबह फजर का वक्त हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ ले गए, सारी रात सहाबा इकराम मस्जिद में हुजूर का इंतजार करते हैं। अब एक एक चीज के अंदर मैं आपको बताता हूँ, बड़ी अशिया होती है, हर चीज का बयान का वक्त नहीं होता। आप इस बात से यह भी अंदाजा कर लें कि सहाबा इकराम पहले दिन भी आए, दूसरे दिन भी आए, तीसरे दिन भी आए, चौथी रात भी जब आए, तो एक ये हदीस के रिवायत के अल्फाज हैं, उम्मुल मोमिनीन फरमाती है कि मस्जिद में कदम रखने की भी जगह ना थी, इतने लोग हो गए, और इतने लोग होने के बावजूद उनके अदब इहतराम का ये आलम था कि किसी के अंदर ये जुरत ना होती थी कि जाकर उनको सदा दे कि हुजूर हम आए हैं तो आगे हमें नमाज पढ़ा दे, बल्कि पैतरे अदब इहतराम और पैतरे इश्क रसूल बनकर मस्जिद नबवी में सारी रात उनको सारी रात उनको याद किया, मगर ऐसा नहीं किसी ने जाकर आपको कहे साथ के हुजूर का दरवाजा अकदस था, बिल्कुल मस्जिद नबवी में जो रियाजुल जन्नत है उसके अंदर तो हुजूर का दरवाजा खुलता था, मगर सहाबा का मस्जिद में सारी रात उनको जुड़ते रहे, सारी रात इंतजार करते रहे, और पैतरे इसको अदब बन के बैठे रहे, और निगाह के दरवाजे में इस्तहा की तरफ रही कि कब हुजूर अपने घर मुबारक से अंदर तशरीफ ले आते हैं और हमें नमाज पढ़ाते हैं। सारी रात इंतजार के बावजूद इसने हुजूर को जाती हुए नहीं कहा कि याचिका हम तो नमाज के लिए बैठे, आप क्यों तशरीफ ला रहे, बस वो मुल्क से रहते थे कि कब आकर जब यहां के कर्म की नजर उन पर पड़ जाए, कब हुजूर की नजर मोहब्बत उन पर पड़ जाए, कब हुजूर की नजर रहमत उन पर पड़ जाए, कब हुजूर की नजर शफकत उन पर पड़ जाए, उस नजर के मोहताज रहते थे। बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई दफा ऐसा हुआ आकर जो यहां जो नमाज के लिए लोग तशरीफ लाते तो सहाबे किराम जो है वो जाके कहते ना थे, बल्कि जितनी देर तक हुजूर तशरीफ ना लाते सहाबे किराम मुंतजर रहते, सहाबे किराम मुंतजर इंतजार करते रहते कब हुजूर आते। आप अंदाजा फरमाएं ये हदीसे पाक कमोबेश हर हदीस की किताब के अंदर मौजूद है कि सहाबा इकराम ने सारी रात की इंतजार किया, फलम यखरुज इलैहिम रसूलुल्लाह, मगर अल्लाह के रसूल उनकी तरफ ना निकले, हुजूर उस रात को घर में रहे। फलम्मा अस्बाहा, जब सुबह होगी हुजूर मस्जिद नबी में तशरीफ ले आए, काला कद रअयतुल लज़ी सनअतुम वलम यमनअनी मिनल खुरूज इलैकुम इल्ला अन्नी खशीतु अन तुफ़रदा अलैकुम मज़ालिका काफी रमदान। आप फरमाते हैं जब हुजूर नमाज फजर के लिए गए तो आका जो यहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को इरशाद फरमाया कि रात को जब तुम सारे इकट्ठे थे कद रईत लज़ी सनअतुम, जिस मकसद के लिए तुम इकट्ठे हुए मैं तुम्हें देख रहा था, बलम यमनअनी मिनल खुरूज इलैकुम इल्ला अन्नी खशीतु अन तुफ़रदा अलैकुम, मुझे सिर्फ एक बात ने तुम्हारी तरफ नहीं आने दिया, सिर्फ एक बात ने तुम्हारी तरफ नहीं आने दिया, और वो क्या, पर मैं वो बात ये थी कि मुझे ये खदशा हुआ, मुझे ये डर हुआ कि अगर तुम इसी जौक और शौक से आते रहे और मैं भी इसी मोहब्बत और शफकत के साथ तुम्हें नमाज पढ़ाने के लिए जाता रहा मस्जिद में, मुझे ये खदशा था कि कहीं ये नमाज तुम्हारे ऊपर फर्ज न कर दी जाए, पर मैं चौथी रात महज इस वजह से नहीं बाहर निकला, मैं अल्लाह का नबी रसूल हूँ, आखिरी नबी रसूल हूँ, जो ज़ाब्ता बन जाएगा वह क़यामत तक के लिए रहेगा, पर मैंने महज इस डर से बाहर नहीं निकला, अन्नी खशीतु, मुझे ये डर हुआ, अन तुफ़रदा अलैकुम, कि मैं ये अगर मैं आज भी निकल आया तो ये नमाज तुम पर फर्ज न कर दी जाए और तुम इसको अदा करने के काबिल न रहोगा। मुहद्दिसीन ने इस मुकाम पर इस बात को लिखा है कि आका जो यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये इरशाद फरमाया इसकी हिकमत क्या थी, कि हुजूर ने यह फरमाया मुझे इस चीज का डर था कि कहीं तुम पर यह नमाज फर्ज ना कर दी जाए। मुहद्दिसीन फरमाते कि इसमें आका जो यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपने सहाबा का नहीं ख्याल फरमाया, हुजूर ने अपने सहाबा का ख्याल नहीं इसने फरमाया, खिताब उनको है मगर इससे मुराद क्या मतलब आने वाली हुजूर की उम्मत है। इसलिए सहाबा के नाम जिससे इबादात के अंदर रगबत करते थे, इबादात का जो शौक था उनके अंदर, इबादात का जो शौक था उनके अंदर, आप देख लेने इसी हदीस पाक में, पहले दिन कम, दूसरे दिन उससे ज्यादा, तीसरे दिन उससे ज्यादा, चौथे दिन बोलिए उससे भी ज्यादा। सहाबा इकराम को इस चीज से बढ़कर किसी चीज से मोहब्बत ना थी कि मुसल्ले पर मुस्तफा खड़े हो वो मेरे हुजूर के पीछे खड़े हो जाए, और उसमें जो उन्हें नजर आती थी कि कुरान उसकी जुबान से सुने जिस पर कुरान नाज़िल हुआ है, और उस लज़्ज़त का हुसूल के लिए वो सारा कुछ कुर्बान कर दिया करते थे। और वसल्लम की जुबानें हर तर्जुमान से जब अल्लाह का कुरान निकलता था, खुदा की कसम रिवायात के अंदर है, हुजूर मक्का मौसमा में जब रात को तन्हाई में कुरान पढ़ते तो काफिर नाम मानने के बावजूद हुजूर का कुरान सुनने के लिए हुजूर की गली में जमा हो जाया करते थे। ये आलम होता था हुजूर के कुरान पढ़ने का। जब आता जो यहां कुरान पढ़ते तो सहाबा इकराम को उससे ज्यादा फिर ऐसी चीज ना थी कि हुजूर ने, याद रखिएगा, हुजूर ने एक रकअत के अंदर, क्या नर्ज कर रहा हूं, एक एक रकअत के अंदर हुजूर ने बार बार सूरह अल आराफ सारी की सारी मुकम्मल सुनाई है। लंबी सूरतें जो कहते सूरह अल बकरा है, सूरह आल इमरान है, आका जो यहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार एक एक रकअत के अंदर सारी सारी सूरतें सुनाई है। और सहाबा इकराम के लिए किताब देना थे इसलिए कि जुबानी मुस्तफा से कुरान सुनना इस सबक पर दौलत की तौर पर मुहद्दिसीन ने फरमाया, हुजूर ने ये जो फरमाया ना कि कहीं ये नमाज तुम पर फर्ज ना कर दी जाए, इसने हुजूर ने सहाबा का नहीं खाली ख्याल फरमाया, बल्कि सहाबा तो चाहते थे कि हुजूर खड़े रहे, हम हुजूर के पीछे खड़े रहे, मगर हुजूर ने इसमें क्यामत तक आने वाली अपनी उम्मत का ख्याल फरमाया है। हुजूर जानते थे शायद मेरी उम्मत पर अगर ये नमाज फर्ज कर दी गई फिर अगर तू छोड़ेगा उसको फर्ज छोड़ने जितना गुनाह भी होगा, महज इस कर्म की बिना पर और इस रहमत की बिना पर और इस रहमत आलमीन होने की बिना पर आता है जो जहां ने क्यामत तक आने वाली अपनी उम्मत का ख्याल रखा और फरमाया महज इस वजह से बाहर नहीं निकला कि मुझे यह खदशा हुआ ऐसा ना हो तुम पर यह नमाज फर्ज कर दी जाए और तुम बाद में इसको अदा करने के काबिल ना रहो। मगर आता जो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन रोज तक मस्जिद नबी की शरीफ के अंदर सहाबा इकराम को बाजमात नमाज तरावी अदा करवाई। अब उसे अगला प्रश्न यह है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तरावी कितनी रकत अदा किया करते थे, हजूर कितने रकत नमाज तरावी अदा किया करते थे। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा के अंदर यह हदीस है और मुसन्नफ इब्ने हुमैद के अंदर यह हदीस है और अस्सुनन कुबरा इमाम बहकी उसके अंदर यह हदीस है और इमाम तबरानी जो है उनकी किताब के अंदर यह हदीस पाक पाई जाती है अल मौजम अल औसत के अंदर जो इमाम तबरानी की किताब है। अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाला अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال يصلي في رمضان 20 ركعات سوى الوتر। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक में नमाज तरावी जो है वो 20 रकत अदा किया करते थे। कितने रकत बोलिए, 20 रकत अदा किया करते थे सिवाल वितर, वितर के अलावा, वितर के अलावा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नफली इबादत रमजान में फरमाते वो कितनी होती, 20 रकत, उसको तरावी कहते हैं। ये हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस पाक है जो मैंने अर्ज की। अब इसकी ताईद के अंदर अब आके तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी में आपने तीन दिन तक नमाज तरावी बाजमात करवाई उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजमात मस्जिद में नमाज अदा ना फरमाई। हदीस पाक में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाहरी दौर पाक उसके बाद और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का इब्तदाई दौर
इस सारे दौर में मकाना अमरा बिजाली किस किस्म के अल्फाज हैं हदीस पाक में कि फिर नमाज तरावी ऐसे ही अदा की जाती रही। यानी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम यूं समझिए कि हुजूर ने मिसाल फरमाया है 10 हिजरी या 11 हिजरी के रबीउल अव्वल में, हिजरत के बाद 10 साल हुजूर मदीना मुनव्वरा में रहे, उसके बाद हुजूर ने 11 हिजरी के रबीउल अव्वल में दुनिया से पर्दा फरमाया। उसके बाद 2.5 साल के करीब करीब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत रही। यानी अब 11 से 13 कर लें, 13 हिजरी के भी आगे 5-6 महीने कर लें, इतनी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत रही। उसके बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया। इस सारे पीरियड में हुजूर के विसाल के बाद कमोबेश 3 साल जो गुजरे, इन 3 सालों के अंदर सहाबा इकराम जब भी रमजान मुबारक आता तो सहाबा इकराम चूंकि जानते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज तरावी अदा की है और उन्होंने खुद हुजूर के साथ नमाज तरावी अदा की थी, सहाबा इकराम और उनके बाद मुसलमान होने वाले लोग जिनको ताबईन कहते हैं वो सारे अलग अलग जो है वो नमाज तरावी अदा कर लिया करते थे। मगर जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया तो हदीस पाक में है कि हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस पाक को रिवायत करते हैं, कहते हैं अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल क़ारी अन्नहु क़ाल खरजतु मा उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लैलतन फी रमदान इला अल-मस्जिद। हजरत अब्दुर्रहमान इबन अब्दुल क़ारी वो ये कहते हैं ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत में बैतुल माल के इंचार्ज थे, खजाने के इंचार्ज थे। वो कहते हैं कि एक रात हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ निकला, वो रमजान की रात थी, इला मस्जिद मस्जिद नबी शरीफ की तरफ। फइज़न नासु औज़ा मुतफर्रिकूना युसल्लि रजुलु लिनफ्सिही आप फरमाते हम निकले रमजान की रात थी मस्जिद नबी शरीफ की तरफ हम गए तो हजरत उमर फारूक ने यह देखा कि मस्जिद में कुछ लोग नमाज अदा कर रहे हैं तरावी की नमाज, कुछ लोग अकेले अकेले अदा कर रहे हैं और कुछ लोग जो है उसी मस्जिद में बाजमात नमाज अदा कर रहे हैं, अकेले भी लोग खड़े हुए हैं और एक गिरोह जो है वो भी जो है वो किसी की इक्तदा में खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा। फकाल उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इन्नी अरा मौ जमातुहा उलाई अला काइन वाहिदिन लकान अमसल। फरमाते हैं हजरत उमर फारूक ने जब देखा कि मस्जिद शरीफ के अंदर लोग आए हुए हैं इबादत करने के लिए, कुछ लोग अकेले अकेले पढ़ रहे हैं, कुछ लोग बाजमात पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ ग्रुप जो हैं वो बने हुए हैं, तो हजरत उमर फारूक ने उन्हें देख के कहा इन्नी अरा लौ जमातुहा लकान अमसल। आप फरमाते कि हजरत उमर फारूक ने कहा मेरा ये इरादा है कि मैं इन सारे लोगों को एक इमाम के पीछे जमा कर दूं, एक इमाम के पीछे जमा कर दूं। फुम्मा आज़मा फजमाहु अला उबै बिन कअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फरमाते हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सिहाबा में से बहुत अच्छे कारी कुरान थे हजरत उबई बिन कअब, कौन सिहाबी हजरत उबई बिन कअब रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस दौर के सारे मुसलमानों को नमाज तरावी के लिए एक इमाम यानी हजरत उबई बिन कअब के पीछे खड़ा कर दिया। आपने एक दिन मुशावरत की कि नमाज तरावी को बेहतर अदा करने की सूरत क्या होगी, सूरत यह कह पाई कि सारे लोगों को एक ही इमाम के पीछे जमा कर दिया जाए ताकि सारे लोग मिलकर नमाज तरावी अदा कर सके। ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अब्दुल क़ारी कहते हैं कि हम रमजान की किसी और रात में हजरत उमर फारूक के साथ फिर मैं मस्जिद नबी शरीफ की तरफ निकला। अब जब हम पहले आए थे तो पहले लोग मुतफर्रिक होकर जुदा जुदा होकर नमाज तरावी अदा कर रहे थे,
अब उस दिन जब मैं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ निकला, जब हम मस्जिद में पहुंचे तो सारे लोग एक ही इमाम के पीछे खड़े होकर नमाज अदा कर रहे थे। एक ही इमाम के पीछे खड़े हुए थे। काल उमर, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो मंजर देखकर कि पहले जब मैं आया था तो लोग अलग अलग थे, आज मेरे उस फैसले की बिना पर सारे लोग एक ही इमाम के पीछे बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर पढ़ लिख करा दी। काल उमर, हजरत उमर खत्ताब ने कहा, निअमल बिदात हाजिही, ये कितना अच्छा काम है जो मैंने शुरू कर दिया, ये कितनी अच्छी बिदअत है जिसका मैंने आगाज कर दिया। ये इमाम बुखारी ने इसको रिवायत फरमाया है। इससे यह भी जाहिर होता है कि बिदअत की अच्छी अकसाम भी होती है, बिदअत की अच्छी अकसाम भी होती है। बिदअत खाली बुरे मानों में लफ्ज़ यूज नहीं होता। हजरत उमर फारूक ने फरमाया, जो मैं रिवायत पढ़ रहा हूँ, इमाम बुखारी ने इसको दर्ज किया है, आप फरमाते निअमल बिदअत हाज़िही, कि ये कितनी अच्छी बिदअत है जिसका हमने आगाज कर दिया है कि सारे लोग एक ही इमाम के पीछे खड़े होकर नमाज तरावी को अदा कर रहे हैं। अब उससे अगला जो है वो स्पष्ट ये है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में सहाबा इकराम जो है वो कितनी रकतें नमाज तरावी की अदा किया करते थे, वो रकतें कितनी होती थी। इमाम बेहकी ने इसको रिवायत किया है अपनी किताब के अंदर अस-सुनन-उल कुबरा के अंदर, अन साइद बिन यजीद काला कानु यकूमून अला अहद उमर बिन खत्ताब फी शहर रमदान बिश्रीन रकअ। सुभान अल्लाह। आप कहते हैं हजरत साहिब, वो ये कहते हैं कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में रमजान मुबारक के महीने में नमाज तरावी जो है वो 20 रकअत अदा की जाती थी। वकानु यकरऊन बिल मिएनि वकानु यतबक्कऊन अला असिहिम फी अहद उस्मान बिन अफ्फान मिन शिद्दतिल क़ियाम। आप फरमाते हैं सहाबा इकराम 20 रकत नमाज तरावी अदा किया करते थे और उसमें 100 आयात वाली सूरतें पढ़ा करते थे। बकानो यतबक्काउन अला असिहिम फी अहद उस्मान बिन अफ्फान मिन शिद्दतिल क़ियाम। आप कहते हैं सहाबा इकराम की और ताबईन की इबादत का आलम यह था कि जो उनमें जिस्मानी तौर पर कमजोर होते हैं, अगर आप वैसे रूटीन से आते रहे ना मुस्लिम फोरम में तो आपकी बड़ी कमजोरियां दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, असर कहीं और जाके जाहिर होता है, कभी किसी वक्त जाके जाहिर होता है, मगर आप सुने तो सही सहाबा इकराम का ज़ौक़े इबादत क्या था। सहाबा इकराम कहते हैं कि ताबईन में सहाबा में ज़ौक़े इबादत यह था कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में रमजान में नमाज तरावी 20 रकत पढ़ी जाती और उन रकतों में 100 आयात और मिश्र में जो सूरतें हैं वो सूरतें तिलावत की जाती थी। और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में फरमाते थे वो शख्स जो जिस्मानी तौर पर कमजोर होते और जो क्या न कर सकते थे वो क्या करते, कानून या तबक का उन्होंने आला असिंगी फी अहद उस्मानी बिन अफ्फान मिन शिद्दतिल क़ियाम, जब अल्लाह ताला की बारगाह में खड़े हो तो वो थक जाते और इमाम रुकू में न जाता और इमाम रुकू में न जाता, इमाम अल्लाह के पास आता होता और लोग थक जाते तो लोग इमाम से बुरा भला नहीं करते, इस्लाम फेरते कि हमने तो सुबह भाई उस वक्त लोग खेती बाड़ी नहीं थे करते, वो ये नहीं थे करते, क्या मदीना मुनव्वरा में बाजार नहीं था, क्या वहां पर तिजारत नहीं थी होती, क्या लोगों की दुकानें नहीं थी, क्या लोग दुकानों पे नीचे जाते, सारा कुछ मौजूद था। मगर सहाबा कहते हैं कि जब लोग अपने क़याम में जो खड़े होने वाले थे जो कमजोर लोग थे जब थक जाते थे तो क्या करते, ये तब देखाऊ आया असली है वो घर से अपनी स्टिक्के साथ लेकर आते, अपने असा साथ लेकर आते, अपनी लाठियां साथ लेकर आते और उन लाठियों की पेट पीछे के साथ लगा के और क़याम के अंदर खड़े रहते मगर तरावी छोड़ के जाते। हजरत उस्मान ने गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद मुबारक पर भी आदत थी।
लोगों के जोर और शोर का जवाब होता है कि अगर कोई कमजोर होता है तो लाठी का सहारा लेकर खड़ा रहता है, अपने हाथ के नीचे खड़ा करके खड़ा रहता था ध्यान में, लेकिन बैठता ना था। इसलिए उसको पता है उसके मालिक को उसकी बार में खड़े होना कितना पसंद है, तो सहाबा ताबीन खड़े रहते थे और उस खड़े रहने में अगर लाठी की टेप भी लगानी थी उस टेप को लगाकर अल्लाह करीम की बार में खड़े रहते। सो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सारे सहाबा को एक इमाम पर जमा किया तो तब भी तरावी कितने रकत पड़ी जाती थी, बोलिए कितनी रकत? 20 रकत पड़ी जाती थी। आगे चले आइए, एक और रिवायत जो है वो आपको मैं अर्ज किए देता हूं। हजरत मौला अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके दौर की, किसके दौर की बोलिए, बोलिए किसके दौर की? हजरत अली। किसके दौर की? हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो के चौथे खलीफा हैं। और ये रिवायत जो है इसको भी इमाम बेहकी ने अपनी किताब के अंदर जो है वो दर्ज किया है। अन अबी अब्दुर्रहमान अस्सुलमी अन अली काला दाल फी रमदान फअमर मिन्हु रजुलन युसल्ली बिन्नास 20 रकअ। अभी अब्दुर्रहमान अस्सुलमी कहते हैं कि रमजान मुबारक का महीना आ गया, मौला अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुर्रा की कारियों की एक जमात को बुलाया और उन कारियों की एक जमात को बुला के क्या कहा, फअमरा मिन्हुम रजुलन, तो आपने उनमें से एक शख्स को यह हुक्म दिया, युसल्ली बिन्नास 20 रकअ, आपने ये हुक्म दिया कि कारी साहब रमजान शुरू हो गया है, आपने लोगों को 20 रकात की नमाज तरावी पढ़ानी करनी। कितनी रकत? 20 रकत पढ़ानी करनी है। काला बकाना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु युक्तिरु बिहिन बरवा काल के मुंबई जो आखरान अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, और आप कहते हैं कि वो कुर्रा जो थे वो लोगों को 20 रकत नमाज तरावी पढ़ाते और मौला अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद तरावी के बाद नमाज वितर की इमामत किया करते थे। सो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी कितने रकत अदा फरमाई, बोलिए कितने रकत? 20। और हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में तरावी कितने रकत पढ़ी जाती रही? 20। हजरत उमर फारूक के दौर में कितनी रकत? 20। हजरत मौला अली मुर्तजा के दौर में कितनी रकत? 20। हजरत उस्मान गनी के दौर में 20 रकत। तरावी की नमाज जो है वो हमेशा 20 रकत अदा की थी, हमेशा 20 रकत अदा की जाती रही और 1400 साल से लेकर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से लेकर आज के दौर तक अहले सुन्नत की चार फिकह याद रखें, फिकह मालिकी हम्बली शाफी और हनफी, इनमें से एक फिक्र जो है उसके इमाम हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका एक फतवा है कि नमाज तरावी जो है वो 36 रकत है। कितने रकत? अब मैं आपको फतावा तो बता दूं ना, जो आइमा के फतावा है, जो इमाम मालिक को फॉलो करने वाले लोग हैं वो भी अहले सुन्नत है, उनमें से बाद 36 रकत पढ़ते हैं। अब उसकी हिकमत जो है वो बाद उलमा ने अपनी किताबों में लिखी, उसकी वजह क्या थी 36 रकत की? वो कहते हैं कि एक्चुअली बेसिकली तौर पर वो भी 20 रकत जो है वो नमाज अदा किया करते थे, मगर हजरत इमाम मालिक अलैहि रहमत को फॉलो करने वाले लोग मदीना मुनव्वरा के थे, किस शहर में थे? मदीना मुनव्वरा के लोग हजरत इमाम मालिक को फॉलो किया करते थे। अब अहले मक्का में और अहले मदीना में थोड़ा फर्क था, सहाबा इकराम के अदवार के बाद जब ताबीन और तबा ताबीन का दौर आया, उस दौर में अहले मक्का में लोग ऐसे मौजूद थे और उनकी इबादत का ये आलम था कि जब वो 4 रकत पढ़ लेते ना नमाज तरावी, कितने रकत? 4 रकत पढ़ लेते, तो हम 4 रकत पढ़ लेते क्या करते हैं, ये दुआए तस्बीह जो है दुआए तरावी जो है इसको पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ना मसाजिद में सुभानल्लाह मुल्क वल मलक। वो लोग अहले मक्का इस तरह करते थे कि वो जब 4 रकत पढ़ लेते तरावी रमजान मुबारक में तो शुक्राने के तौर पर खाने काबा का तवाफ किया करते थे, हर 4 रकत के बाद वो तवाफ करते, उनकी इबादत का ही आलम। अब अहले मदीना जो थे उनके पास चूंकि खाने काबा मौजूद ना था, अब उन्होंने सोचा कि उनका जो तवाफ है उसका टाइम कम हम क्या करें,
तो अहल मदीना ये करते थे कि जब चार रकअत काम पढ़ लेते उसके बाद बजाय बैठ के खाली आराम करने के उन चार रकअतों के दरमियान फिर चार रकअतें तरावी की नियत के अलावा नफल की सूरत में अदा करते थे। उन लोगों की इबादत का ये आलम था, इसलिए वो हर तरवीह के बाद में जो चार रकअत के बाद बैठते उसे क्या कहते हैं, तरवीहा। क्या कहते, बोलिए, तरवीहा। और तरवीहा की जो फ्लैट हाल है उसे तरावी कहते हैं, तरवीहा की फ्लैट हाल को तरावी कहते हैं। सो हर तरवीहा के बाद वो लोग चार चार रकअतें एक्स्ट्रा नवाफल की करते, इस तरह उनकी रकअतें 36 बन जाती है, 36। अगर वही हजरत इमाम मालिक अलैहि रहमत का ये कौल है कि तरावी जो है वो 20 रकअत है, तरावी कितने रकअत है, 20 रकअत। सो आका जो यहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहिरी दौर मुबारक से लेकर हजरत उमर फारूक ने खास तौर पर इसका इस्तेमाल फरमाया था नमाज बाजमात का, क्योंकि उससे पहले नमाज बाजमात रूटीन से नहीं थी। इसकी एक रीजन और एक सबब यह भी हो सकता है कि शायद लोगों के अंदर इबादत का जौक कुछ आप कम देखते हैं, जिसका सहाबे कराम में था, क्योंकि दूसरी तीसरी जनरेशन आगे पैदा हो चुकी थी। सो आपने एक इमाम पर मुजतमे फरमा दिया और उसी तरीकेकार को अगर किसी बंदे के जहन में कभी कुछ पश्चिम लाए तो इस बात को जहन में रख लें और नोट करें इस बात को कि जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 20 रकअत तरावी के फाइनल किया कि हुजूर 20 रकअतें पढ़ते थे तो हम भी 20 रकअतें पढ़े और पढ़ाएंगे, जब आप इस बात को फाइनल किया तो उस वक्त हजरत उमर फारूक खुद, और एक रिवायत के अंदर यह बात मौजूद है कि वह जो तीन दिन आकर जो जहां मस्जिद नबवी में नमाज तरावी बाजमात अदा करवाई थी वो दिन हजरत उमर फारूक की हुजूर के पीछे अदा करने वालों में शामिल थे, वो हुजूर की रकअत को सबसे बेहतर जानने वाले हैं। फिर उम्मुहातुल मोमिनीन में से हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस वक्त बाहयात मौजूद थे, हजरत उस्मान गनी हयात में थे, हजरत मौला अली मुर्तज़ा जिंदा थे, हजरत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिंदा थे, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिंदा थे, हजरत अमीर मुआविया जिंदा थे, बड़े बड़े जिद्दत सहाबा ये सारे हुजूर के अमाल को जानने वाले हजरत थे। उम्मे सलमा उम्मुहातुल मोमिनीन में से वो जिंदा थी, सारे हिजरात मस्जिद नबवी के बिल्कुल साथ थे, महातम मोमिनीन जानती थी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिंदा थे। इन सारे सहाबा का इजमा है इस बात पर कि तरावी 20 रकअत है। इन सहाबा में से अगर कोई भी किसी और सुन्नत को जानता होता तो यकीनन आके सैयदना उमर फारूक को अर्ज करता कि आप 20 ना पढ़े तो उन्होंने कितनी रकअत पढ़ी। हालांकि हजरत उमर फारूक उन लोगों में शामिल है कि जिन्होंने हुजूर के पीछे आके वो 20 रकअतें जो थी वो अदा की थी, नमाज तरावी उन्होंने हुजूर के पीछे पढ़ी। फिर अजवाज मुतहरात जाने वाली है कि हजूर घर में कितनी रकअत पढ़ा करते थे। खाली हजरत उमर फारूक का अमल हजरत उमर फारूक का अमल नहीं है, हजरत उमर फारूक के अमल के पीछे उस वक्त हजार हर सहाबा सुनकर मौजूद थे जो जानने वाले थे कि हजूर की सुन्नत क्या है। सो अगर जब आप कभी ये बात सुनते हैं ना, अगर कहीं से सुने या पढ़े तो ये खाली हजरत उमर फारूक के अमल का मतलब मीन इसका यह मतलब नहीं है कि खाली हजरत उमर का अमल है, इसका मतलब यह है कि उस दौर में जितने भी सहाबा किराम थे इस बात पर एग्री थे, एनी थे कि आका जो यहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रकअत नमाज तरावी अदा की है, इसलिए तो हजरत उमर फारूक ने 20 रकअत के लोगों को जमा फरमा दिया। हजरत उस्मान गनी के दौर में ऐसा हुआ, हजरत मौला अली मुर्तज़ा के दौर में ऐसा हुआ, और आज के दिन तक हरमैन शरीफ के अंदर जो है नमाज तरावी 20 रकअत अदा की जाती है। इसलिए इमाम जाने जाने तिर्मिज़ी इमाम अबू ईसा अत-तिर्मिज़ी जो है उन्होंने लिखा है अपनी किताब के अंदर, और ये सिहाह सित्ता के अंदर ये किताब है और ये रेफरेंस जो है ये भी याद रखना बहुत जरूरी है। इमाम तिर्मिज़ी जो है वो फरमाते हैं अक्सर अहलुल इल्म अला मा रुविया अन उमर व अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व गैरिहिमा मिन अस्हाबिन नबी 20 रकअत। इमाम तिर्मिज़ी जो है वो इसको रिवायत फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि अक्सर अहले इल्म का मजहब, क्या लफ्ज है अक्सर, बोलिए क्या लफ्ज, अक्सर। वो कहते हैं अक्सर अहले इल्म का मजहब जो है वो क्या है, 20 रकअत वो नमाज रमजान मुबारक में नमाज तरावी, अक्सर अहले इल्म का मजहब 20 रकअत नमाज तरावी है। ये जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है और ये जो है
وسلم اور کہتے ہیں یہ جو میں لکھ رہا ہوں کہ اکثر لوگوں کا عمل کہ ہمیں 20 رکعت نماز تراویح ہے, یہ روایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے, وعلیہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے, وغیرہما اور ان دونوں کے علاوہ من اصحاب النبی کئی صحابہ سے ہم نے یہی روایت کیا ہے. امام ترمذی بھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی اصحاب سے جو روایات ہمیں پہنچتی ہیں اس کے مطابق یہی ہے کہ نماز تراویح کتنی رکعت ہے, بولیے کتنی رکعت ہے, وہ 20 رکعت ہے. ایک اور بھی ریفرنس دے کے تو ہم جو ہے وہ آج کی بات کو ختم کرتے ہیں, اور یہ جو ہے یہ جو نجدی لوگ ہیں نجدی, یہ ان کے لیے بڑا ضروری جو ہے یہ ریفرنس ہے, اور یہ مجموعہ فتاوی نجدیہ کے اندر ہے جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کی فکر کو فالو کرنے والے لوگ ہیں, ان کے لیے یہ بہت بڑا ریفرنس ہے. اس لیے کہ یہ فتاوی نجدیہ میں یہ کہا گیا ان شیخ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب ذکر فی جوابہ عن عدد التراویح ان عمر لما جمع الناس على ابی بن کعب کانت صلاتهم 20 رکعہ. فتاوی نجدیہ کے اندر یہ ہے کہ اہل نجد کا بڑا سردار جس کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب نجدی, اس کے بیٹے عبداللہ سے یہ بات پوچھی گئی. کیا بات پوچھی گئی؟ کہ نماز تراویح کی رکعات کی تعداد کیا ہے. اسے جب یہ بات پوچھی گئی تو اس نے جو جواب دیا وہ یہ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ فی جواب ہی ان عدد تراوی ان عمرہ لما جمع الناس علی ابی بن کعب کان صلاته 20 رکعہ. محمد بن عبد الوہاب نجدی کا بیٹا عبداللہ یہ کہتا ہے, وہ کہتا ہے اس سے کسی نے پوچھا جناب کہ تراوی کتنے رکعت پڑھنی ہے, اس نے کہا کہ تراوی جب حضرت عمر نے حضرت ابی بن کعب کو امام مقرر کیا تھا اور ان کو نماز تراوی پڑھانے کا کہا تھا تو حضرت عمر نے انہیں 20 رکعت پڑھانے کا کہا تھا. حضرت عمر نے کتنی رکعت پڑھانے کا کہا تھا؟ یہ 20 رکعت پڑھانے کا حضرت عمر نے کہا تھا. یہ فتاوی نجدیہ کے اندر بھی, یہ مجموعہ فتاوی نجدیہ کے اندر یہ روایت آ گئی جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بیٹے کی روایت سے. اس نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا, اس نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حکم فرمایا تھا حضرت عبی بن کعب کو تو آپ نے اسے 20 رکعت پڑھنے کا ہی حکم دیا. اس لیے یہ بات جو ہے یہ دلائل کی صورت میں آپ لوگوں کو سمجھنی چاہیے, ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ نماز تراویح جو رمضان کی خاص عبادت ہے اس کی رکعتیں کتنی ہیں, بولیے کتنی رکعتیں؟ 20. اب یہ جو ہوتی ہے نا اپنے گھر بیٹھ کے گنجائشیں نکالنا, ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اور جو صحابہ کرام کا عمل ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے اس کا مفہوم میں ذمہ داری سرچ کرتا ہوں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میری امت کے اندر اختلاف دیکھو, جب لوگوں کی مختلف رائے دیکھو, ایک مسئلے سے پوچھو کوئی مسئلہ ملے, دوسری سے پوچھو کوئی مسئلہ ملے, تیسری سے پوچھو کوئی مسئلہ ملے, فرمایا جب تم میری امت کو مختلف دیکھو تو سنو علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین, فرمایا اس دور میں میری سنت رہ جائے اس کے لیے لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑ لے یا میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑ لے. یعنی حضرت ابو بکر کا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اسے باقی ختموں کی نہ سمجھ آئے پھر اتنا تو دیکھ لے کہ میرے صحابہ جو ہے ان کا عمل کیا, پھر صحابہ کے عمل کے فالے پانے قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ سے نجات پائے. سو صحابہ کرام جو خلفاء راشدین ہیں, کون سے خلفاء؟ جو پہلے چار خلفاء جنہیں خلفاء راشدین کہا جاتا ہے ان کا عمل مبارک جو ہے وہ 20 رکعت پہ ہے. وہ بھی کتنی رکعتوں پہ ہے؟ 20 رکعتوں پہ ہے. اب بعض وقت میں آ جاتے ہیں جی ہم اس طرح کریں, اگلے دن ایک صاحب جب وہ پوچھتے تھے تھوڑا عرصہ پہلے جی میں جب تھکا ہوا ہوں تو پھر میں گھر میں 8 پڑھ لیا کروں, یعنی 8 کا بڑا درمیان میں مسئلہ شروع ہو جاتا کہ میں 8 پڑھ لوں, یہ بھی نہیں کہتے کرما والے میں 10 پڑھ لوں, یہ بھی نہیں کہتے کہ میں 6 پڑھ لوں, یعنی جی میں 8 بھی پڑھ لوں میں گھر. بھائی 8 صحابہ کرام کا عمل نہیں ہے اور نہ ہی کسی احد حدیث سے صحیح سے یہ بات ثابت ہے. یہ بات یاد رکھو,
किसी हदीसे पाक से ये बात साबित नहीं है कि आप दो जहां नमाज तरावी आठ वक्त हुजूर ने अदा की हो, किसी सही हदीसे पाक से यह अमल साबित भी नहीं है। अब ऐसा ना करना चाहिए कि आप नमाज की रकते नहीं को अपने अंदाज से मुतय्यन ना करें, यह गलती ना करनी चाहिए। इसकी मैं एक मिसाल दे देता हूँ छोटी सी कि नमाज असर अभी जब आप अदा करेंगे तो नमाज असर की कितनी रकते हैं? बोलिए कितनी रकते हैं? आठ। उनमें से पहली चार क्या हैं? सुन्नत। और सुन्नत कौन सी सुन्नत है? गैर मुकदा। आपको यह तो इख्तियार है कि अगर आपके पास वक्त थोड़ा है और आप नमाज सुन्नत पहली असर की चार या इशा की पहली चार अदा नहीं करना चाहते और आपके पास वक्त कम है तो आप अदा ना करें, आप खाली फर्ज पढ़ लें। यानी यह मसला तो मौजूद है कि आप अगर सुन्नत गैर मुकदा है तो आप उसको अदा ना करें, लेकिन आप ऐसा तो ना करें कि अगर आपके पास वक्त थोड़ा तो हम ये नहीं कर सकते, हम कहने कि मैंने असर की दो सुन्नतें पढ़ ली, ऐसा नहीं। यानी नमाज की रकतों की तादाद आप अपनी मर्जी से मुतय्यन नहीं कर सकते, ये तो बड़ा अजीब रास्ता खुल जाएगा ना आगे। हर शख्स कहेगा नहीं आज मैं थका हूं, आज मैं दस पढ़ लेता हूं, कल नहीं थका होगा तो बीस पढ़ लूंगा, और आज मैं बिल्कुल फ्रेश हूं, आज मैं 36 रकतें पढ़ लेता हूं। यह तो कोई बात नहीं, ये तो दीन को अपनी मर्जी से मोल करने वाली बात है। इस तरह के शैतानी वसावस होते हैं, उनसे बचना चाहिए। मैं इस कदम आप अगर चाहें तो असर की सुन्नतें पढ़े, अल्लाह ताला आपके राजी हो। अब आप समझ गए, यानी बहुत बढ़कर सवाल है असर की पहली चार सुन्नतों का, लेकिन चूंकि शरीयत में गुंजाइश मौजूद है, अगर आप ना भी पढ़ना चाहें तो ना पढ़े, अब खाली फर्ज अदा कर लें। लेकिन ऐसा नहीं आप कर सकते कि आप किसी को बाहर निकल कर ले आज मैंने असर की दो सुन्नतें पढ़ी, मेरे पास टाइम थोड़ा था। नहीं, फिर आप कहेंगे कि मैंने दो नफल असर से पहले पढ़े, उसको सुन्नत का टाइटल नहीं आप दे सकते। इसी तरह अगर किसी ने तरावी पढ़नी है तो फिर 20 रकअत पढ़नी है तो फिर कितनी है? फिर वो 20 रकअत है, और 20 रकअत में अपनी मर्जी से गुंजाइश निकालनी, आज मैंने चार पढ़नी, आज 10 पढ़नी, आज 8 पढ़नी, ये शरीयत के साथ मजाक करने के मुताबिक। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस्लाह फरमाए और हम सबका खात्मा बिल ईमान फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन।